Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, student, today our subject is English and we will continue our chapter reading of the chapter number 4, The Blue Umbrella. हमने क्या किया था? हमने इसको यहाँ तक एगो तक पढ़ लिया था. So, today we will continue our reading portion. Okay, so I'm requesting you to open your books of the English reader and the page number is 2727. Okay, shall we start? Okay, so Bharti's family had three tiny files on the side of the mountain. जो भारती की family थी, उसके पास tiny means छोटी, fields मतलब कि एक जगह अलग से हम जब बोल देते हैं, जैसे हमारे खेत है, उसे बोल देते हैं, but छोटे. On the side of the mountain, mountain के side में उनके पास ऐसी तीन छोटी-छोटी जगह थी या खेत थे. They grew, grew means ugana, okay, potatoes, matlab aloo, onions means pyaaj, ginger means adrak, beans, jise hum chana vagaira bol dete hain, okay, mustard, matlab sarso, ye sab wo log ugate the un teen fields ke upar. But it was not enough to live on, but not enough to sell in the town. It was enough to live on, मतलब उनके लिए live मतलब रहना, enough मतलब एक हद तक उनके लिए वो चीज बहुत थी, लेकिन town में मतलब एक छोटे से शहर में बेचने के लिए वो चीज sale मतलब बेचना के लिए वो काफी हद तक कम थी. ठीक है, like most mountain girls, जैसे कि almost mountain की girls होती हैं, पहाड़ी लड़कियां होती हैं, भारती was quite sturdy, fair with pink cheeks and dark eyes. जो पहाड़ों की लड़कियां होती हैं, वो क्या होती है? Quite मतलब थोड़ा sturdy. Sturdy means होता है strong, मतलब तगड़ा, जिसे हम बोल देते हैं कि बहुत तगड़ा इंसान है, तो इसका खाया पिया है ना, तो strong, sturdy means strong. ओके, ये आप अपने बुक में भी लिख सकते हो इसका मीनिंग, क्योंकि ये आपके लिए न्यू वर्ड है. जो वर्ड्स आपको ऐसे लगते हैं आपको पहले नहीं पता थे, आप उन वर्ड्स को या तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो या आप अपनी बुक में भी पेंसिल से इसे नोट डाउन कर सकते हो जब आप रीडिंग कर रहे हो. फेयर विथ पिंक चिक्स एंड डार्क आइज, उसकी आंखें गहरी थी, डार्क थी, काले कलर की, और जो पिंक उसके चिक्स थे, चिक्स मतलब गाल, जो उसके गाल थे वो पिंक थे. शी वॉर अ नेकलेस ऑफ ग्लास बीड्स, वोर मतलब पहनना, वो क्या उसने वोर किया हुआ था, नेकलेस ऑफ ग्लास, उसने एक ग्लास वाला जो ग्लास की बीट से मतलब कंच की गोलियों से बना हुआ कुछ ऐसा गले में नेकलेस डाल रखा था. फ्रॉम द नेकलेस हंग अ पेंडेंट मेड ऑफ अ लियोपार्ड्स क्लॉ, जो नेकलेस है वो किससे हंग हुआ था, उसने हंग कर रखा था एक लियोपार्ड के क्लॉ से. क्लॉ क्या होता है? पंजा. क्लॉ क्या होता है? पंजा. क्लॉ हम किसे बेसिकली बोल देते हैं? क्लॉ कि पंजे को, जैसे किसी भी पक्षी का जो पंजा होता है या जानवर का जो पंजा होता है उसको हम बोल देते हैं क्लॉ. तो लियोपार्ड की क्लॉ से, लियोपार्ड क्या होता है? एक टाइप का शेर की मतलब टाइगर की, सॉरी कैट की किसी प्रजाति का नाम होता है लियोपार्ड, काइंड ऑफ टाइगर या हम बोल सकते हैं लायन, बट डिफरेंट होता है उनसे, जिसे हम चीता बोल देते हैं. ओके, इट वॉज लकी चार्म, वो क्या होता है? एक लकी चार्म होता है. अज्जू एंड हर ब्रदर हैड वन टू ओनली हिज वॉज अटैच टू अ स्ट्रिंग, वो चीज इसकी क्या थी? एक जो उसका भाई है उसके पास भी सेम था, बट जो उसका पेंडेंट था वो सिर्फ किससे अटैच था? एक पतली सी स्ट्रिंग से. भारती हैड जस्ट कॉलिंग फॉर निमा, भारती ने क्या करना शुरू कर दिया? भारती हैड जस्ट स्टॉप्ड कॉलिंग फॉर निमा, भारती ने बंद कर दिया निमा को बुलाना. ठीक है, व्हेन शी वॉइसेस एंड लाफ्टर, जब उसने, व्हेन शी हर्ड, हर्ड मीन्स सुनना, जब उसको उसने सुनना शुरू करा एक हंसी को और वॉइस को, उसने निमा को बुलाना बंद कर दिया क्योंकि वो निमा को ही ढूंढने निकली थी. शी हाइड बिहाइंड अ ट्री, हाइड यहाँ पे आएगा एच आई डी ई, यहाँ पे ई मिसिंग है तो आप यहाँ पे ई लिख लीजिएगा. हाइड मीन्स होता है छुपना, वो हाइड कर रही थी किसके पीछे? बिहाइंड मतलब पीछे, किसके? एक ट्री के. एंड सो अ पार्टी ऑफ पिकनिक, पिकनिकर्स, पिकनिकर्स क्या होता है? पिकनिक हमें पता है क्या होता है,
तो जो लोग पिकनिक करने जाते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, पिकनिकर्स। तो उसने क्या देखा, एक पार्टी देखी, सो मतलब देखना, तो उसने एक पार्टी देखी जो पिकनिकर्स वहां पे कर रहे थे। दे वर हॉलीडे मेकर्स फ्रॉम द प्लेन्स, वो क्या थे, हॉलीडे को मनाने आए थे, कहाँ से, प्लेन्स मतलब नीचे, मतलब जमीनी एरिया से, पहाड़ के ऊपर आए थे पिकनिक मनाने। शी सॉ द पीपल इन कलरफुल क्लोथ्स, उसने क्या किया, सो किया, पीपल को देखा, पीपल्स को कलरफुल क्लोथ्स में, मतलब रंग बिरंगे कपड़ों में। एंड देन हर हाइज रेस्टेड ऑन अ ब्राइट ब्लू अम्ब्रेला दैट ले अपॉन द ग्रास, फिर उसकी जो आंखें रेस्टेड मतलब टिकी कहाँ जाके, ब्राइट ब्लू मतलब एक ब्लू कलर की अम्ब्रेला मतलब एक छतरी थी, जो ले मतलब जो कहाँ पड़ी थी, ले मतलब पड़े होना कहीं पे, लेटे होना, वो कहाँ पड़ी थी, ग्रास के ऊपर, मतलब वो ग्रास पे लेटे हुई थी। भारती हैड नेवर सीन अ सच ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, भारती ने कभी भी सीन मतलब देखना, उसने कभी भी ऐसी कभी भी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला नहीं देखी थी, ऐसे सुंदर छतरी उसने नहीं देखी थी। इट्स लुक्ड लाइक अ ग्रेट ब्लू फ्लावर, शी मूव्ड क्लोजर टू द ग्रुप, वो जो अम्ब्रेला थी वो उसे क्या लग रही थी, वो उसे ग्रेट ब्लू फ्लावर लग रही थी, जैसे एक बड़ा फूल होता है उसे वो अम्ब्रेला वैसी लग रही थी, और फिर वो मूव्ड मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, क्लोजर टू द ग्रुप, फिर वो क्या की उस ग्रुप के पास गई। भारती, व्हाई हु आर यू, आस्क्ड अ यंग वुमन, एक यंग वुमन मतलब एक जवान औरत ने उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। भारती डिड नॉट आंसर, भारती ने आंसर नहीं दिया। कैप्टन लुकिंग एट द अम्ब्रेला, और वो अम्ब्रेला की तरफ ही देखती रह गई। ओके, सो आज के लिए हम सिर्फ अम्ब्रेला तक करेंगे। आपको क्या करना है, आपको इसकी रीडिंग कंप्लीट करनी है। इफ आपको कोई प्रॉब्लम आती है, सो आप फीडबैक सेक्शन में यू कैन आस्क इन योर स्कूल्स एप्लीकेशन एंड लीव अ कमेंट ऑन देयर। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, आपको बैक वाली रीडिंग भी कंप्लीट करनी है। इफ आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो देख के वो रीडिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज अ वीडियो फ्रॉम कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।